जय हिंद। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बातचीत हमने स्पेशल वाले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। हमने देखा था कि सेकंड फेज ऑफ सीडीएम में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई और फाइनली हमने बात की थी कि गांधी जी ने अप्रैल 1934 में पूरी तरीके से सीडीएम को विदड्रॉ कर लिया। आज के सेशन में हम बात करेंगे कम्युनल अवार्ड के बारे में, देखेंगे कि ये कम्युनल अवार्ड क्या था, इसके मेन प्रोविजंस क्या थे और जब कम्युनल अवार्ड आएगा तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा और गांधी जी का क्या स्टैंड होगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। अपने को ये पता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में बातचीत बनेगी नहीं। गांधी जी इंडिया वापस आ जाएंगे और इंडिया वापस आने के बाद गांधी जी लॉन्च करेंगे सेकंड फेज ऑफ सीडीएम को। एक तरफ गांधी जी इंडिया में सेकंड फेज ऑफ सीडीएम को लॉन्च कर देंगे और दूसरी तरफ इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आएगी कम्युनल अवार्ड को। आपको याद होगा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 3-4 आउटकम्स थे। एक आउटकम ये भी था कि या तो इंडियंस यूनाइटेड होकर डिसाइड कर लें कि उनको कैसा कम्युनल अवार्ड चाहिए, अदरवाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट यूनिलैटरली डिसाइड करेगी और लेकर आएगी कम्युनल अवार्ड को। और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा स्मार्ट खेल रही है, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पता है कि इंडियंस के बीच में यूनिटी नहीं है। जिन्ना अलग भाग रहे हैं, अम्बेडकर अलग भाग रहे हैं और गांधी अलग भाग रहे हैं, इंडियंस के बीच में यूनिटी नहीं है। तो बट ऑब्वियसली बात है, पावर किसको मिलेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट यूनिलैटरली लेकर आएगी कम्युनल अवार्ड को। कम्युनल अवार्ड को अनाउंस किया उस टाइम के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने। किसने अनाउंस किया? रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया। कब आया कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड आया 16 अगस्त 1932 को, 16th of August 1932 को आया कम्युनल अवार्ड। और ये जो कम्युनल अवार्ड है ये बेस्ड था ऑन दी फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, या फिर जिसको लोशियन कमेटी भी बुलाया जाता है। अच्छा, इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स में ये भी बोला गया था कि 3 एक्सपर्ट कमेटीज़ को फॉर्म किया जाएगा। एक एक्सपर्ट कमेटी होगी फाइनेंस के ऊपर, दूसरी होगी फ्रेंचाइज के ऊपर और तीसरी होगी स्टेट्स के ऊपर। ये जो फ्रेंचाइज वाली एक्सपर्ट कमेटी है इसी को बुलाया गया इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी या फिर लोशन कमेटी। ये कमेटी अपनी स्टडी करेगी और इसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पर लाया जाएगा कम्युनल अवार्ड को। बहुत सिंपल, कम्युनल अवार्ड को किसने अनाउंस किया? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने। कब अनाउंस किया? 16 अगस्त 1932 को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो कम्युनल अवार्ड है ये किसकी स्टडीज के ऊपर बेस्ड था, किसकी फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड था? इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी या फिर जिसको लोशन कमेटी बुलाया जाता है। और इस कम्युनल अवार्ड में भर भर के सेपरेट इलेक्टोरेट्स बांटे गए। इनफैक्ट डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। ये जो कम्युनल अवार्ड है ये एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इंडियंस को डिवाइड करने की। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही थी। सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पे इंडियंस को, इंडियन सोसाइटी को, हिंदूज को डिवाइड किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा था कि जब तक ये यूनाइटेड रहेंगे तब तक हमारे लिए समस्याएं रहेंगी। इस कम्युनल अवार्ड के मेन प्रोविजंस क्या थे उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए इस कम्युनल अवार्ड के थ्रू, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? इनकी शुरुआत होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से। जब साइमन कमीशन इंडिया आएगा तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने जाएंगे और कहेंगे कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इनको हिंदूज से अलग एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी समझा जाए, इनको हिंदूज का हिस्सा ना समझा जाए, इनको हद से ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है और इनको एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी के जैसे ट्रीट करके सरकार को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, सरकार को सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांड करेंगे कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं जिनको आज की डेट में दलित बुलाया जाता है, पुराने टाइम पर अनटचेबल्स बुलाया जाता था, उनके लिए कहेंगे कि इनको हिंदूज का हिस्सा ना माना जाए, इनको इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी कंसिडर किया जाए और इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए जाएं। हालांकि साइमन कमीशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देगी, बट हाँ ये जरूर कहेगी साइमन कमीशन कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इनको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया जा सकता है। साइमन कमीशन ये जरूर कहेगी कि हम मानते हैं कि इनको ऑप्रेस किया जाता है, इनको सप्रेस किया जाता है, इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड किया जा सकता है लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है इसकी बातचीत पहली बार नहीं हो रही थी। 1909 में ऑलरेडी मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जा चुके थे। अब तो अदर कम्युनिटीज़ जो हैं जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस
वो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रही हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आपको ये समझ में आता है ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, अपन ने बात की हुई है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब जनरली क्या होगा कि जब चुनाव होगा तो दो चार लोग खड़े होंगे, ये सारे लोग वोट डालेंगे और जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो चुनाव को जीत जाएगा। फिर दूसरा होता है रिजर्व्ड इलेक्टोरेट। रिजर्व्ड इलेक्टोरेट में क्या होगा कि यही पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये सारे लोग हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो SC कम्युनिटी के लिए या ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। रिजर्व्ड में क्या होगा कि चुनाव जब होगा तो सिर्फ SC या ST कम्युनिटी का मेंबर ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट सारे लोग डालेंगे। बट सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा कि मान लेते हैं कि मुस्लिम्स को मिल गया सेपरेट इलेक्टोरेट, और इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो लोग हैं ये मुस्लिम्स हैं और बाकी हैं अदर कम्युनिटीज़ के लोग। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या बोला जा रहा है कि अगर चुनाव होगा तो सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव में खड़ा हो सकता है और सिर्फ इस एरिया के मुस्लिम्स ही इस चुनाव में वोट डालेंगे इस मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए। मतलब बाकी लोग वोट भी नहीं डालते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स के केस में। जिस कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और उसी कम्युनिटी का कैंडिडेट या जो वोटर है वो वोट डाल सकता है। बाकी लोगों को राइट टू वोट भी नहीं मिलेगा, बाकी लोग वोट भी नहीं डालेंगे। रिजर्व्ड में क्या हो रहा है कि जिसको रिजर्वेशन मिला है सीट का उसी कम्युनिटी का इंसान चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट सारे लोग डालेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बातचीत शुरू हो गई। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पहली बार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने साइमन कमीशन ने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन साइमन कमीशन इस डिमांड को रिजेक्ट कर देगी। बट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे ताकि धर्म के नाम पर इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया जा सके। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यार कोई बड़ा लीडर ऐसा आ गया है जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा है, और अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो हिंदू सोसाइटी है वो भी टूटने की शुरुआत हो जाएगी, वो भी अलग अलग होने की शुरुआत हो जाएगी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चाहती थी कि जितना ज़्यादा डिवीजन हो इंडियन सोसाइटी में उतना बेहतर है, बिकॉज उनको यूनाइटेड होकर चैलेंज नहीं कर पाएंगे। फिर होगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस बैकड्रॉप में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से अंबेडकर साहब बोलेंगे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इनको इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी के जैसे ट्रीट किया जाए और इनको प्रोवाइड किया जाए सेपरेट इलेक्टोरेट। हालांकि पूरी तरीके से ये कहना कि अंबेडकर साहब इस डिमांड को करने में गलत हैं वो अपने आप में गलत होगा, बिकॉज जेन्युइनली ये जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं इनको हद से ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता था, सप्रेस किया जाता था। इनफैक्ट अंबेडकर साहब जो हैं वो इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोशिश करेंगे गांधी जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की। गांधी जी से बोलेंगे कि देखो कॉमन इलेक्टोरेट रखते हैं लेकिन आप डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड करवा दो। लेकिन गांधी जी उस टाइम पे पूरी तरीके से अंबेडकर साहब की डिमांड को, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। गांधी जी का भी मानना ठीक था। गांधी जी ये मानते थे कि अगर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो हिंदू सोसाइटी टूट जाएगी, और हिंदू सोसाइटी अगर टूट गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकालना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज अगर हम डिवाइडेड हैं तो कमज़ोर होंगे, अगर हम यूनाइटेड हैं तो मजबूत होंगे, और यूनिटी के साथ में ही हम चैलेंज कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या थे और अम्बेडकर साहब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या थे, लेकिन दोनों ही लीडर्स अपनी अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन थोड़ा सा गांधी जी यहाँ पर गलत जा रहे हैं, बिकॉज गांधी जी बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। पूरी तरीके से कह देंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट तो छोड़ो, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स भी नहीं मिलना चाहिए, हिंदू सोसाइटी का हिस्सा है वो, और जैसे बाकी हिंदूज रह रहे हैं वैसे ही डिप्रेस्ड क्लासेस को भी ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई गांधी जी से। गांधी जी को कम से कम अम्बेडकर साहब की इस बात को सुनना चाहिए था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलना चाहिए। गांधी जी पूरी तरीके से अंबेडकर साहब की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देंगे, उनको साइडलाइन कर देंगे। इनफैक्ट गांधी जी जो हैं वो मुस्लिम से बातचीत करने की शुरुआत करेंगे और मुस्लिम्स को बोलेंगे कि देखो मैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी डिमांड्स को सपोर्ट करूंगा, बदले में ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी जा रही है आप उसके अगेंस्ट में वोट कर दो। गांधी जी अंबेडकर साहब को साइडलाइन करते हुए मुस्लिम्स के साथ में डील करने की कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। गांधी जी को भी शायद समझ में आ रहा था कि मुस्लिम्स के साथ में तो बनती है ही नहीं, मुस्लिम्स को तो ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया है,
मुस्लिम्स के ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना की पकड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, मुस्लिम्स गांधी जी की बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ये जो डिप्रेस्ड क्लास है इसको यूनाइटेड रखा जा सकता है, हिंदूज़ को यूनाइटेड रखा जा सकता है। हालांकि जब अपन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी तो बोला जाता है कि गांधी जी बहुत एक्सट्रीमली गलत हैं, एक सेक्शन ऐसा है जो कि बोलते हैं कि अरे गांधी जी ने गलत ही गलत किया, दूसरा सेक्शन ये भी है जो बोलता है कि अंबेडकर साहब ने गलत किया, ये रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करवा दिया। लेकिन दोनों ही लीडर्स की अगर आइडियोलॉजी समझने की कोशिश करोगे और उस टाइम की परिस्थितियां देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों लीडर्स अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सोच रहे हैं और सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर साहब का कंसर्न है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है इसको मारा ना जाए, इसको पीटा ना जाए, इसको दबाया ना जाए, इसको इंसान के जैसे ट्रीट किया जाए, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। और दूसरी तरफ गांधी जी का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर हम कास्ट के नाम पे डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो ये जो हिंदू सोसाइटी है ये बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, और अगर हिंदू सोसाइटी टूट गई तो हम कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। मुस्लिम्स ऑलरेडी हाथ से निकल गए हैं तो गांधी जी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करके ऐसा किया जाए कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलने वाले हैं ये ना मिलें, चाहे मुस्लिम्स के साथ में डील करनी पड़े। मतलब अंबेडकर भी लगे हुए हैं अपने गोल पे और गांधी भी लगे हुए हैं अपने गोल पे, और दोनों ही उस टाइम के टावरिंग लीडर्स थे। इतना कोशिश करने के बावजूद भी माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कोई कंसेंसस बना नहीं। और फाइनली रैमसे मैकडोनल्ड जो कि कमेटी ऑफ माइनॉरिटीज़ को हेड कर रहे थे वो बोलेंगे कि मैं मीडिएट कर देता हूँ, मैं कुछ मदद कर देता हूँ, और इस मीडिएशन का आउटकम होगा कम्युनल अवार्ड। अल्टीमेटली सारी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट यूनिलैटरली लेकर आएगी कम्युनल अवार्ड को। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कम्युनल अवार्ड क्या था, इसके मेन प्रोविजंस अभी अपने को पढ़ने हैं। बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा कि अंबेडकर साहब का आर्ग्यूमेंट क्यों है कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए, डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ गांधी जी क्यों अपोज कर रहे हैं इस सेपरेट इलेक्टोरेट को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है, YouTube वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, कम्युनल अवार्ड को लाया गया 16 अगस्त 1932 को। कम्युनल अवार्ड के मेन प्रोविजंस क्या थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स बांटे गए भर भर के, मुस्लिम्स को तो ऑलरेडी मिले हुए थे तो मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक्सटेंड कर दिए गए, यूरोपियंस को दे दिए गए, सिख लोगों को दे दिए गए, इंडियन क्रिश्चियंस को दे दिए गए, एंग्लो इंडियंस को दे दिए गए। जो बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था वो क्या था? डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए अगले 20 साल तक के लिए। मतलब हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की पूरी तैयारी की गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए अगले 20 साल के लिए। इनफैक्ट बॉम्बे के अंदर मराठास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड किए गए। मतलब आप यहाँ भी देख सकते हो कि हिंदू सोसाइटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। बढ़ चढ़ के इस कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट्स बांटे गए वेरियस कम्युनिटीज़ को। इम्पॉर्टेंट क्या है कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए अगले 20 साल के लिए। फिर बोला गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में भी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कम्युनल बेसिस पे। मतलब रिलीजन के बेसिस पे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में। सेंट्रल लेवल पे तो है ही सेपरेट इलेक्टोरेट, प्रोविंशियल लेवल पे भी कम्युनल बेसिस पे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये कहा कम्युनल अवार्ड ने। अब क्योंकि इतनी सारी सीटें बांटी जा रही हैं तो बट ऑब्वियस बात है सीटों की कमी पड़ेगी, तो ये भी बोल दिया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में एग्जिस्टिंग सीट्स का जो नंबर है उसको डबल कर दिया जाएगा। मुस्लिम्स के लिए बोला गया कि मुस्लिम्स जहाँ भी माइनॉरिटी में हैं उनको एडुकेट वेटेज ग्रांट किया जाएगा, उनको एडुकेट नंबर ऑफ सीट्स ग्रांट की जाएंगी। एक सही चीज़ बोली इस कम्युनल अवार्ड में कि NWFP के अलावा सभी प्रोविंसेस में विमेन्स के लिए 3% सीट्स को रिजर्व किया जा रहा है। NWFP के अलावा सभी प्रोविंसेस में विमेन्स के लिए 3% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया और डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया। मतलब अपन कह ही रहे हैं कि एक तरीके से हिंदू सोसाइटी को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए काम कर रहा था ये कम्युनल अवार्ड। डिप्रेस्ड क्लासेस को स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी दे दिया गया और डिप्रेस्ड क्लासेस को डबल वोट की पावर मिली।
डबल वोट दे दिया गया कि एक वोट तो वो यूज करेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स के टाइम पे और एक वोट वो यूज करेंगे जनरल इलेक्टोरेट्स के टाइम पे। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए वोट डालना है वहां वोट डालेंगे ही डालेंगे, और जनरल इलेक्टोरेट में वोट डालना है तो वहां भी वोट डालेंगे ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं। और ये तो बेहद पावरफुल टूल था, आपको दो वोट मिल रहे हैं, मतलब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट के टाइम पे आदमी वोट मांगने के लिए आएगा वो तो आपकी इज्जत करेगा ही, लेकिन जनरल इलेक्टोरेट के टाइम पे भी आदमी आपकी बात सुनेगा बिकॉज आप उसको भी वोट डालोगे। तो डिप्रेस क्लासेस को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया और डबल वोट की पावर प्रोवाइड की गई। इसके अलावा अलोकेशन ऑफ सीट्स किया गया लेबरर्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, कि सबको सीट्स मिलेंगी, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और बॉम्बे प्रोविंस में 7 सीट्स जो हैं वो मराठास को अलॉट कर दी गई। इस पूरे कम्युनल अवार्ड के मेन प्रोविजंस में एक इंपॉर्टेंट क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए मुस्लिम्स को, यूरोपियंस को, सिख लोगों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, बेहद इंपॉर्टेंट डिप्रेस्ड क्लासेस को अगले 20 साल के लिए, और बॉम्बे में मराठास को। दूसरा, मोटा मोटा अगर देखें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी बोला गया कि कम्युनल बेसिस पे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मुस्लिम्स जहां भी माइनॉरिटी में होंगे वहां पे उनको वेटेज दी जाएगी। सभी प्रोविंसेस में एक्सेप्ट NWFP वीमेंस के लिए 3% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट तो मिला ही, इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी का स्टेटस भी दे दिया गया और उनको डबल वोट भी दिया गया। और बॉम्बे प्रोविंस में 7 सीट्स अलॉट की गई मराठास के लिए। अच्छा, जब ये कम्युनल अवार्ड आया तो साफ साफ दिख रहा था कि ये जो कम्युनल अवार्ड है ये इंडियन सोसाइटी को तोड़ने के लिए लाया गया है, डिवीजन क्रिएट करने के लिए लाया गया है, स्पेशली हिंदू सोसाइटी को तोड़ने के लिए लाया गया है। जब ये कम्युनल अवार्ड आया तो कांग्रेस का क्या स्टैंड था? देखो, कांग्रेस पूरी तरीके से ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया है इसको अपोज कर रही थी, पूरी तरीके से अपोज कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कम्युनल अवार्ड को ना तो एक्सेप्ट करेगी और ना खुलेआम रिजेक्ट करेगी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया को कांग्रेस अपोज कर रही थी, बट इसके बावजूद कांग्रेस कम्युनल अवार्ड को ना तो एक्सेप्ट करेगी और ना रिजेक्ट करेगी। ये याद रखना, बाय चांस कभी पूछ लिया जाए कि कम्युनल अवार्ड के लिए कांग्रेस का स्टैंड क्या था, तो पहला इंट्यूशन ये आता है कि आज जब सेपरेट इलेक्टोरेट को अपोज कर रही थी तो कांग्रेस पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी कम्युनल अवार्ड को। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कांग्रेस ना तो कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट करेगी और ना रिजेक्ट करेगी। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि कांग्रेस को लग रहा था कि अगर अब हम कोशिश करेंगे कम्युनल अवार्ड को चेंज करने के लिए तो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कांग्रेस से हद से ज़्यादा नाराज हो जाएंगी, हमें माइनॉरिटीज़ के साथ में सहमति बनानी पड़ेगी, पहले उनको तैयार करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का नुकसान क्या है, और जब वो सहमत हो जाएंगी तब हम लड़ाई लड़ेंगे इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में। हम यूनिलैटरली खुद से माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि हम कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कांग्रेस जो है वो ना तो कम्युनल अवार्ड को एक्सेप्ट करेगी और ना रिजेक्ट करेगी। अच्छा, जब ये कम्युनल अवार्ड आया तो गांधी जी का रिस्पॉन्स क्या था? गांधी जी तो पहले से ही बोल रहे थे कि ये जो कम्युनल अवार्ड है, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, ये इंडियन सोसाइटी को, ये हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करेंगे। गांधी जी ने कहा कि ये इंडियन यूनिटी, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर अटैक है। गांधी जी ने कहा कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया है, इसकी वजह से हिंदू सोसाइटी में इतना डिवीजन आ जाएगा कि ये जो अनटचेबिलिटी का सवाल है ये पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाएगा, ये पूरी तरीके से खो जाएगा। गांधी जी ये कह रहे थे कि देखो, नो डाउट डिप्रेस क्लासेस को ऑप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट उसका रास्ता नहीं है। उसका रास्ता है कि हम अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मासेस के बीच में जाएं, उनको बताएं कि सभी लोग बराबर हैं, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करें। सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हम लेकर आएंगे तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो एलिनेट हो जाएंगे और वो और ज़्यादा इस डिप्रेस क्लास को सप्रेस करेंगे, दबाएंगे, और ज़्यादा ये जो अनटचेबिलिटी है ये फ्लरिश करेगी, ये आगे बढ़ेगी। तो गांधी जी भी अपनी जगह पर सही हैं। अब अपन देखते हैं ना कि ये जो SC ST कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, इसी पे कितनी डिबेट चलती है आज की डेट में 2024 में। लोग लड़ रहे हैं, एक समुदाय ऐसा है जिसने आंख बंद करके ये बोल रखा है कि ये जो रिजर्वेशन है ये पूरी तरीके से गलत है, और दूसरा समुदाय ऐसा भी है जो कि आंख बंद करके ये बोल रहा है कि नहीं नहीं रिजर्वेशन कभी हटना ही नहीं चाहिए। कितना डिस्प्यूट है आज की डेट में भी। तो सोचो 1932 में कितनी खराब हालत होगी
और ये तो तब की बात हो रही है जब उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है, मतलब पूरी तरीके से ये बोल दिया गया कि आप अलग हो, अब ये जो अपर कास्ट के लोग होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे या और ज़्यादा सप्रेस करेंगे, ऑप्रेस करेंगे इस डिप्रेस क्लास को। बट अम्बेडकर साहब भी ठीक हैं, बिकॉज उनको क्या लग रहा है कि अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी तो ये जो डिप्रेस क्लास है ये धीरे धीरे उठने की शुरुआत करेगी। बट थोड़ा सा मिस कर गए अम्बेडकर साहब, 2024 में आ गए हम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है डिप्रेस क्लासेस को, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्रेस क्लासेस अब बोलते नहीं हैं, दलित समुदाय बोल देते हैं, SC ST कम्युनिटी बोल देते हैं, उनको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, लेकिन उसके बावजूद आज भी हमारे कंट्री के गांव खेड़ों में अगर जाओगे, रिमोट एरियाज में अगर जाओगे, तो आज भी इन लोगों को सप्रेस किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं चलने वाला था। गांधी जी का एक आस्पेक्ट सही है कि हमें अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए हमें रिफॉर्म्स करने के लिए काम करना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। गांधी जी डिमांड करेंगे कि जो डिप्रेस क्लासेस हैं इनको जॉइंट इलेक्टोरेट के थ्रू इलेक्ट किया जाए, हम ऐसी सोसाइटी बनाएं, ऐसे रिफॉर्म्स करें कि लोग खुद से वोट डालें और डिप्रेस क्लास के लोगों को चुनें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के थ्रू, सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू हिंदू सोसाइटी में डिवीजन आएगा। लेकिन हाँ, गांधी जी ने इस बार एक रिफॉर्म किया। पहले जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये जो डिप्रेस क्लास है इसको रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड कर दो, तो गांधी जी ने सीधे सीधे मना कर दिया था, लेकिन इस बार गांधी जी बोलेंगे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और गांधी जी अपनी इस डिमांड को मनवाने के लिए इस कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट में जाते हुए जेल के अंदर इनडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठ जाएंगे, आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे ऑन September 20, 1932। गांधी जी उस टाइम पे यरवड़ा जेल में हुआ करते थे, यरवड़ा जेल जो है वो पुणे में है, तो इस यरवड़ा जेल में गांधी जी इनडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठ जाएंगे ऑन 20th September 1932। बोलेंगे कि कम्युनल अवार्ड को ख़त्म किया जाए, ये जो डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है इसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज ये हमारी सोसाइटी को तोड़ने का काम करता है। अच्छा, जब गांधी जी इनडेफिनिट फास्ट के ऊपर बैठ जाएंगे 20 सितंबर 1932 को, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी चिंतित होंगे, M.C. राजा जो कि कास्ट लीडर हुआ करते थे और मदन मोहन मालवीय जो कि हिंदू लीडर हुआ करते थे वो भी थोड़ी टेंशन में आ जाएंगे, और मदन मोहन मालवीय और M.C. राजा साहब जो हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समझाएंगे और बोलेंगे कि जाओ गांधी जी से बात करो, बिकॉज इनको ये भी दिख रहा था कि पहले ही डिप्रेस क्लास को इतना ऑप्रेस किया जाता है, इतना सप्रेस किया जाता है, कहीं गांधी जी इस फास्ट में बीमार हो गए या कहीं इनके साथ में कुछ गड़बड़ हो गई तो जीने नहीं दिया जाएगा, पूरी ज़िंदगी का ब्लेम लग जाएगा कि इस डिप्रेस्ड क्लास की वजह से गांधी जी को नुकसान हुआ, इतने बड़े लीडर थे वो। तो समझाया जाएगा अम्बेडकर साहब को, या फिर अपन ये कह सकते हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ऑलमोस्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फोर्स कर दिया जाएगा कि वो गांधी जी के पास जाएं, मिलें और इस पूना पैक्ट को साइन करें। अल्टीमेटली पूना पैक्ट साइन होगा और इस पूना पैक्ट के थ्रू ये जो कम्युनल अवार्ड है इसको गिव अप कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और पूना पैक्ट में लाए जाएंगे नए प्रोविजंस जिनके बारे में अपने को बात करनी है, पढ़ना है अगले सेशन में। आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। देखो, मेन प्रोविजंस याद रखना, और दोनों लीडर्स गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका आइडिया क्या था, एक क्यों सपोर्ट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट को और एक क्यों अपोज कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट को, उसका बेसिक आइडिया आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए, सेंस डेवलप होना चाहिए, और दोनों ही लीडर्स अपनी अपनी जगह पर सही हैं। बस हाँ, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा गलत हो सकते हैं गांधी, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा गलत हो सकते हैं अम्बेडकर, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी गलत नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा सही साइड में है। उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से फ्यूचरिस्टिक हैं, आगे की चीज़ों को देखते हुए हैं। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।